सालों से जुड़ी हुई हूँ, मुझे न्यूफ्यूजन में आना बहुत अच्छा लगता है। और पहले मेरे को बहुत डर लगता था लोगों से बात करने में और स्टेज पे जाने से। पहले मैं स्कूल में भी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेती थी, उसके बाद फिर मैं एनजीओ ज्वाइन करी और यहाँ पर आकर मैं माँ से मिली और माँ ने मेरे को कॉन्फिडेंस रहना सिखाया और यहाँ पर आके मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, डांस, थिएटर और पेंटिंग। और साथ ही साथ मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मैं बी ए सेकेंड ईयर में हूँ। और मुझे काका हाथरसी शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे को और अच्छा बोला, ऐसे बोला कि तू भी अब आगे और भी कुछ कर सकती है। और मैं फिर साथ ही साथ न्यूफ्यूजन में बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और मैं पढ़ती भी हूँ और मुझे न्यूफ्यूजन में अच्छा लगता है और मैं हमेशा न्यूफ्यूजन के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। Everyone, my name is Aarti. I'm 17 years old. I'm studying in class 11. जब मैं दूसरे एनजीओ में थी, मैं क्लास 6 में पढ़ती थी। जब मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ पर क्लास 8 में एडमिशन लिया। क्लास 8 में एक महीने पढ़ने के बाद मैं क्लास 10th में आई। मैंने क्लास 10th बहुत अच्छे मार्क्स से पास की। मैंने क्लास 10th में 80.4 मार्क्स हासिल किए। मैं यहाँ पर टैक्वांडो भी सीखती हूँ। टैक्वांडो में मैं ब्लू बेल्ट हूँ। शाम को मैं असिस्टेंट टीचर भी हूँ, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैम्स बहुत अच्छी हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं, सपोर्टिव हैं, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाती हैं। यहाँ पर मिसेस अनुभूति हैं, जिन्हें मैं मासी बोलती हूँ, बाकी सब लोग बाकी सारे बच्चे माँ बोलते हैं। वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत मोटिवेट करती हैं, हमें ऐसा फील नहीं होने देती कि हम स्कूल आए हैं, बिल्कुल अपने बच्चों के जैसे प्यार करती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं। यहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मैं यहाँ पर MIC भी कर रही हूँ। MIC भी NeoFusion के द्वारा ही लाया गया है। वो 6 मंथ्स का है, लगभग हमें 4 मंथ्स हो गए हैं करते हुए, बस 2 मंथ बाकी हैं। वो पूरा होते ही हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। मुझे यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है। That's all. Thank you all. Thank you. Hello everyone. मेरा नाम फिरोज है और मैं समस्तपुर में रहता हूँ। मैं यहाँ लगभग मुझे 4 साल हो गए न्यूफ्यूजन से जुड़े हुए। और मतलब जब मैं 5-6 साल पहले की बात है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, 7th-8th में था। मतलब मैंने आज तक गवर्नमेंट स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं करी। मैं स्कूल जाता था, मैं डेली जाता था मतलब, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं था। तो यहाँ से मैं जुड़ा और मैंने पढ़ने स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, अभी मतलब बेटर कर रहा हूँ। तो पहले मैं सिर्फ मस्ती करता था दोस्तों के साथ, मतलब कुछ काम नहीं करना, स्कूल में जाके पिटता ही था सिर्फ मैम से। और यहाँ पर मतलब माँ ने कुछ पढ़ाया, कुछ सिखाया। मैं मतलब यहाँ पर जुड़ा था सिर्फ डांस करने के लिए, डांस सीखने के लिए मैं जुड़ा था यहाँ से। और मैं डांस भी सीखता हूँ, सिंगिंग सीखता हूँ और थिएटर भी करता हूँ। तो मतलब पहले मस्ती करता था दोस्तों के साथ, मतलब लफंटर गिरी, इधर से उधर घूमना, घर पे आके खाना खाया, उसके बाद फिर निकल गया घूमने। तो मतलब जब भी स्कूल में मम्मी पापा मेरे जाते तो मतलब उन्हें मतलब मेरे बारे में बुरा ही सुनने को मिलता था, कभी अच्छा सुनने को मिला नहीं। तो उन्होंने बोला कि आज के बाद हम तेरे साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी बेइज्जती होती है वहाँ जाकर। तो मुझे लगा कि हाँ यार, मम्मी पापा की बेइज्जती होती है। उस टाइम के लिए हाँ याद था कि हाँ बेइज्जती होती है, उसके बाद फिर भूल गया, फिर मस्ती करने लगा। फिर माँ से मिला, फिर माँ ने बोला कि इतने नंबर कम क्यों आ रहे हैं तेरे। मैं 8th में था उस समय। तो मैंने बोला कि मैम मेरे को समझ में नहीं आता, तो ये बात है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं तेरे साथ मेहनत करती तो भी कर। मैंने बोला ठीक है करता हूँ। फिर हमने किया, तो मैं 8th में पहली बार मैं 2nd आया था 8th में अपने 8th में। फिर मैंने 8th से डायरेक्ट 10th किया एंड 10th में भी मैं अच्छा खासा पास हो गया। और मुझे मतलब फर्स्ट टाइम जब काका हाथरसी जी का अवार्ड मतलब स्टार्ट हुआ था, तो उस समय मैं था वहाँ पर। तो फिर उसके बाद माँ ने पूछा था कि मतलब किस किस को नेक्स्ट टाइम अवार्ड चाहिए। तो मैंने बोला था कि मतलब माँ ने पूछा था कि किस किस को अवार्ड चाहिए, वो अपना हाथ ऊपर करें। तो मैंने हाथ ऊपर नहीं किया था, लेकिन मेरे मन में था कि हाँ मुझे अवार्ड चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर मेरे को काका हाथरसी जी का अवार्ड मिला और मैं बहुत खुश हुआ। और लाइफ में फर्स्ट टाइम
मेरे मम्मी पापा मेरी वजह से बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ हमारा बेटा कुछ कर रहा है। तो मैं माँ भी हमें बहुत प्यार करती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं और मैं उनकी वजह से यहाँ पर हूँ। अभी मैं 12th कर रहा हूँ उन्हीं की वजह से। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं NeoFusion से करीब 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं NeoFusion में फर्स्ट टाइम आया तो मुझे लगा क्योंकि एनजीओ पहले कभी देखा नहीं था कि एनजीओ होता क्या है और करता क्या है। यहाँ के पता चला कि बच्चे पढ़ते हैं, फ्री में ट्यूशन दी जाती है, डांस सिखाया जाता है। तो मेरा एक दोस्त है, उसने बताया तो मैं उसके साथ आया। हमारे प्रदीप भैया हैं, उन्होंने ही हमें डांस सिखाया है, उन्हीं से शुरुआत हुई हमारी डांस की। तो उनसे ही मिला मैं फर्स्ट टाइम, उन्होंने मुझसे बात की, डांस के बारे में कुछ बताया, थोड़ा इंटरेस्ट जागा उस चीज से। मेरे को 4 साल हो गए NeoFusion में और यहाँ पे रह के मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे हम डांस सीखते हैं, थिएटर सीखते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करियर कोचिंग्स, तो काफी क्लासेस, काफी चीज सीखने को मिलती है। जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में था तो वहां पर कोई पूछने वाला नहीं था कि आपको इन द फ्यूचर क्या करना है, कैसे करना है, वो क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, किस किस फील्ड में तुम जा सकते हो। तो यहाँ आके वो टीचर्स ने उस वे में बात की कि हम उनको ना चीजें शेयर कर पाए। फिर उन्होंने हमें बताया कि तुम इस फील्ड में जा सकते हो, इस फील्ड में अच्छे हो, तो हमारा भी इंटरेस्ट जागा। क्योंकि जो चीज कभी देख ही नहीं थी ना, उस चीज को अगर पहली बार देखो ना तो एक क्रिएटिविटी जागती है अंदर से उस चीज को करने की। करना शुरू किया, फिर वहां से स्कूल 8th के बाद तो स्कूल छोड़ दिया, उसके बाद 10th की, अभी मैं 12th में हूँ। इन द 10th मैंने काका हाथरसी अवार्ड लिया। वो क्यों लिया, क्योंकि 10th में इस स्कूल में मतलब मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे, 10th में सबसे ज्यादा परसेंटेज आई थी, तो उसके लिए मुझे काका हाथरसी प्रेरणा पुरस्कार मिला। उस पुरस्कार को पाकर मुझे ऐसा लगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो इच्छा है करने की। उस अवार्ड को आकर मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई। घर जाके उन्होंने मुझसे काफी बात की कि हमें लगता नहीं था तू ऐसा होगा, लेकिन तू अच्छा कर रहा है, ऐसे ही करता रहे और सारे सपने तेरे पूरे होंगे एक दिन। लेकिन इस सब का क्रेडिट मैं माँ को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं होती ना तो इन चीजों को हम कभी पा नहीं पाते, इतने करीब से इन चीजों से जुड़ नहीं पाते, इनको देख नहीं पाते। तो उनको स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू। Hello everyone, my name is Roshni. I study in 9th class. I am 12 years old. मैं जब अलग स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ के सर मैम उतने एक्टिविटी
पीटी नहीं कराते थे और ना ही किसी बच्चों को सपोर्ट करते थे अपने टैलेंट में। जब मुझे पता चला मेरे दोस्तों से कि यहाँ पर ट्यूशन और एक्टिविटी बहुत होती है, तो मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे जानने को मिला कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या टैलेंट है। फिर मैंने माँ से बोला, माँ मुझे डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग और थिएटर, टाइकोंडो में माँ ने मुझे डाला, जिससे मैं अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। एंड जब मुझे यहाँ पर पुरस्कार मिला काका हाथरसी शिक्षा पुरस्कार, तब मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे कभी भी किसी स्कूल में ऐसे पुरस्कार नहीं मिले था। फिर धीरे धीरे टाइम बीता, मुझे घड़ी, साइकिल, ये सब चीज़ मिली। तो जो यहाँ की मैम है बहुत अच्छी है और बच्चे को नए नए पुरस्कार देते हैं ताकि वो और आगे बढ़े। और एंड यहाँ की एक्टिविटी को यहाँ की एक्टिविटी है वो जो बहुत ही लोग बहुत दीदी भैया लोग आते हैं सिखाने। फिर शाम को यहाँ पर भरतनाट्यम भी होता है, तो भरतनाट्यम में जो मैम है वो भी बहुत अच्छी हैं। और माँ तो हर चीज़ हर हमारे लिए जितना चाहे उतना हम कर सकती हैं, उतना हमको करके बताती है कि मैं इतना कर रही हूँ। और बस थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम संध्या है, मैं घसोला में रहती हूँ, सेक्टर 49। बेसिकली मैं उड़ीसा से रहने वाली हूँ। मैं जब इस एनजीओ को नहीं जानती थी, मेरे भाई जानते थे, वो घर से गायब रहते थे 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो मैंने क्या किया, एक दिन चलो मैं देखती हूँ कि ये कहाँ जाता है। तो मैं गई एक दिन पीछे, तो वहाँ पे एक मैम थी जो कुछ सामान दे रही थी और गेम खिला रहे थे। तो मैं भी जाके बैठ गई, फिर मैं देखने लग गई, फिर मैं भी खेलने लग गई। उसके बाद धीरे धीरे मैंने मम्मी को बताया कि भाई ऐसे ऐसे जाता है, वहाँ पे ऐसे ऐसे होता है और मैम आती हैं एक। तो मम्मी ने बोला अच्छा फिर तुम रोज जाया करो। हम लोग फिर हमारी स्टार्टिंग हुई स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल जो 49 में है। वहाँ पे जाकर वो हमें, हम लोग वहीं पढ़ते थे, वो लोग मैम आती थी और हमें बहुत मतलब गेम खिलाती थी, डांस करवाती थी। हम बहुत अट्रैक्टिव होते थे कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, कि हमें ना दिन भर जबरदस्ती पढ़ाया जाता था, वो मारते थे, हम चुपचाप बैठे रहते थे। हमें कभी ऐसा नहीं कोई हमारी लाइफ में ऐसे आएगा जो हमें कुछ नई चीज़ें करा रहा है और ऐसा फील्ड में ले जाना चाहता है जिससे हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, हमें पता नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, हम पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करने लग गए और एक्टिविटीज़ में भी बहुत हमें अट्रैक्ट किया गया और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। अभी मैं मार्शल आर्ट सीखती हूँ और मैं रेड बेल्ट हूँ, अभी मैं सिखाने भी जाती हूँ अभी। और मैंने बहुत सारे सोर्स किए हैं, कम से कम मुझे पता नहीं होगा 56 सोर्स तो मैंने कर चुकी हूँ। मेरे को हम लोग को अवार्ड भी बहुत सारा मिला है। अभी जो काका हाथरसी 18 तारीख को था उनका जन्मदिन, तो अभी हम बनाएंगे 28 तारीख को जिसे काका हाथरसी अवार्ड मिला जाएगा। उनमें से एक मैं हूँ जो मुझे मिलने वाला है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे पता नहीं था कि मुझे मिलेगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं कब जाऊं, मुझे कब अवार्ड मिले। ये सब बहुत सपना सा लग रहा है, बट ये सपने को सच करने वाली एक ही है जो हमारी माँ है। हम उनको माँ ही बोलते क्योंकि वो माँ का जिम्मेदारी पूरी तरह से ले रही है, इतने सारे बच्चों को एक साथ जो करा रही है ना, दैट इज अमेजिंग मतलब। और मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती, बहुत ज्यादा अच्छी है और वो सबकी बहुत ज्यादा केयर करती हैं और वो हमें ऐसे लेवल पे देखना चाहती हैं कि हम अभी जैसे कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए जैसे कर रही हैं, हम दूसरे बच्चों के लिए करें ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर पाए। थैंक यू। मेरा नाम प्रियंका है और मैं 17 साल की हूँ, मैं घसोला गांव में रहती हूँ। और मैं जब यहाँ पे गांव से पहली बार आए थे तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई थी, फिर वहाँ पे पढ़ती थी और मम्मी की हेल्प करती थी घर में।
फिर मेरा जो छोटा भाई है वो मंदिर जाता था, साईं बाबा मंदिर, वहाँ पे वो एक मैम उसे पढ़ाने आते थे, वो पढ़ता था, प्रसाद भी लेने जाते हैं मंदिर में, तो वो वहाँ पे जाता था। तो एक दिन मैंने पूछा कि तुम वहाँ क्या करने जाते हो, तो उसने मुझे बोला कि एक नेपाली टाइप की मैम आती हैं और वो पढ़ाती हैं और प्रसाद देती हैं, बहुत कुछ कराती हैं। तो मैंने सोचा कि मेरा, मैं अलग कोई ट्यूशन जाती नहीं हूँ, तो मैं वहाँ चली जाऊँ, कुछ सीख लूँगी। तो मैं मंदिर पे गई, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम जब मंदिर गई वहाँ पे कोई नहीं आया। फिर मुझे सेकंड टाइम पता चला कि वो गवर्नमेंट स्कूल गए हैं जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी। तो शाम को वहाँ क्लास हुई, मैंने अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा था करने में। और मैं धीरे धीरे फिर मैं भी जुड़ गई एनजीओ से, न्यूफ्यूजन से, और फिर अभी मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, डांसिंग, थिएटर, ताइक्वांडो, और बहुत सारी जगह हमने परफॉर्मेंस भी की है। और जब कुछ महीनों या एक साल पहले मेरी मम्मी थे, वो कुछ मेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे घर में, तो मेरे पढ़ाई से पूरा मन हट गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा सब कुछ वो हो रहा था। फिर माँ ने मेरे मम्मी पापा को समझाया कि वो अच्छा कर रही है, वो और भी करेगी, उसकी शादी मत करो, वो पढ़ना चाहती है, आगे कुछ बनना चाहती है। थैंक यू। नमस्ते सभी को, मेरा नाम आमिर है और मैं 18 साल का हूँ, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं पिछले 4 साल से न्यूफ्यूजन से जुड़ा हुआ हूँ। न्यूफ्यूजन से जुड़ने से पहले मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, और उसके बाद हम शाम को, मेरे काफी सारे दोस्त हम पार्क जाते थे, पार्क में प्रैक्टिस करते थे, रनिंग करते थे, पुशअप करते थे और बहुत कुछ चीजें करते थे, तो उससे मेरी बॉडी कुछ ज्यादा इम्प्रूव हुई। फिर मैं न्यूफ्यूजन में आया और मैंने डांस सीखना स्टार्ट किया। जो हमारे डांसर थे वो प्रदीप भैया थे, उन्होंने अच्छा वर्क, मतलब बहुत अच्छा वर्कआउट कराते थे, और उस वर्कआउट से मेरी बॉडी थोड़ी और इम्प्रूव हुई। और फिर मैं ऐसे करके सीखने गया, फिर मैं थिएटर भी सीखता था, डांस भी सीखता था, फिर मैं न्यूफ्यूजन में सुबह पढ़ता भी हूँ, और सुबह एक मार्शल आर्ट क्लास होती थी, तो मैंने पहली बार मार्शल आर्ट क्लास किया। वैसे मेरा मन नहीं था करने का, माँ ने मुझे फोर्स किया जाके कर, मैंने मना कर दिया था मैं क्लास नहीं करूंगा, लेकिन माँ ने कहा तू जाके कर एक बार, तेरे को अच्छा लगेगा। मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि मुझे मार्शल आर्ट में ही अपना फ्यूचर बनाना है, और मुझे बड़ा होकर एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बनना है। उसके लिए फिर मैं शाम को मेहनत करने लग गया, पार्क में जाके पंचेस वगैरह मैं पेड़ पे प्रैक्टिस करता था। मैंने मतलब काफी मेरे हाथ में मतलब चोटे वोटे भी आई, लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने बारिश में प्रैक्टिस करी है, मेरे को मच्छर काटे तो मैं प्रैक्टिस करता था, तो मतलब मेरे अंदर एक बहुत पागलपन था उसके लिए, तो मैंने काफी मेहनत करी उसके लिए। एवरीवन, माय नेम इज संजय एंड आई एम 17 इयर्स ओल्ड, नाउ आई एम स्टडी इन 11th क्लास। मैं इस एनजीओ से पिछले 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और इस एनजीओ के बारे में मुझे मेरे बड़े भैया के बाद बड़े भैया से पता चला। वह इस एनजीओ से करीब 4 सालों से जुड़े हुए हैं, 4 या 5। तो मैंने उनसे करीब 6-7 महीनों से कह रहा था लगातार कि भैया मुझे ले चलो, पर भैया कहते थे तू अभी छोटा है, तेरे पास साइकिल नहीं है, तू नहीं जा सकता, बहुत सारे बहाने मारते थे। फिर एक दिन वो मुझे यहाँ लेके आए, फर्स्ट डे था, तो हम बहुत वो था, घबराया हुआ था, कैसे लोग होंगे, कैसे बच्चे होंगे ये सब। तो फर्स्ट डे आया तो मैंने माँ से मिला, उनके मैंने पैर छुए, और इधर आकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ जो बच्चे थे ना वो बहुत प्यार से मुझे बोलते बात करते थे, और भैया कह के सभी कहते थे। फिर मैं धीरे धीरे यहाँ आना स्टार्ट किया, करीब 6-7 महीने में एनजीओ आया, फिर मैंने आफ्टर 8th क्लास के बाद मैंने यहाँ 10th में ज्वाइन किया। फिर यहाँ मैंने 2 साल बाद 10th क्लियर की एनआईओ स्पोर्ट से, और अब मैं यहाँ 11th क्लास कर रहा हूँ, और हमारे यहाँ एक कोर्स भी है एमआईसी कोर्स जो अभी हम कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं और बहुत सारी वर्कशॉप एक्टिविटीज में डांस क्लास भी होती है, थिएटर क्लास भी होती है, और जिस बच्चे को सिंगिंग इंटरेस्ट है तो उसके लिए क्लास भी है, पेंटिंग क्लास भी है, और हम यहाँ पर बहुत सी वर्कशॉप करते हैं कि करियर काउंसलेशन और बहुत सारी होती है कि आपको कैसे अपने गोल्स क्लियर करने हैं और आप किस फील्ड में अच्छे हो। और इस एनजीओ का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है, यहाँ सभी लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन,
माय नेम इज सज्जाद, आई एम स्टडिंग इन 11th क्लास। मैं बिहार का हूँ, अभी मैं घसौला गांव में रहता हूँ। जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, वहाँ के टीचर मेरे को इस स्कूल एनजीओ में पढ़ने से मना करते थे। वो एनजीओ के बारे में बहुत बुरा बुरा कहते थे। वो कहते थे कि ये तेरे भविष्य के लिए बहुत खराब है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। जब मैं 2017 में एनजीओ ज्वाइन किया, तब मैं इंग्लिश पढ़ने में कम था, लेकिन उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। और जब हमारा यूटी आया तो मैं बहुत डर रहा था यूटी देने से, लेकिन जब मैंने यूटी दिया और नंबर देखे तो मैं खुश हो गया, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगा यूटी में। मैं बहुत बेकार पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके जब मेरा फाइनल एग्जाम हुआ तो मैं उसमें फर्स्ट आया। फिर इसी तरह माँ ने मेरा नंबर और मेरे एज के हिसाब से मेरे को सीधा 6th से 10th में भेज दिया। तब मैं बहुत डर रहा था कि मैं 10th क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं। फिर जब हमारा बोर्ड का एग्जाम हुआ तो उसमें मेरे 73% आए। फिर अभी मैं तो 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, लाइक डांस, थिएटर, पेंटिंग, सिंगिंग। मेरे को सिंगिंग करना बहुत पसंद है और मैं टाइकोंडो में अभी हाई ग्रीन बेल्ट पे हूँ। यहाँ पे एक मैम है अनुभूति माँ, जिनको हम माँ कहते हैं। वो बहुत अच्छी है, वो बच्चों से बहुत प्यार करती है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू।